गाइस सलाम अलैकुम। आज इस वीडियो में दिखाऊंगा, ये मेरा पास J2 फ़ोन आया, इसमें FRP लॉक है। तो ये FRP लॉक कैसे अनलॉक करेंगे, एकदम सिंपल सा ट्रिक, आप वन क्लिक में FRP अनलॉक करोगे। इसमें मैं जो टूल दूंगा, इसमें कौन सा वर्जन काम होगा मैं बोलता हूँ। इसमें J2 वर्क करेगा, J2 प्रो, J3 प्रो, J5, 17 प्रो, 17, J7 तक। और ओल्ड जो टैप होता है ना सैमसंग का टैप, वो भी वर्क करेगा। आपको J7, 17 प्रो, 17 और भी कुछ मॉडल है। इसमें कौन सा मॉडल काम करेगा या फिर देखो मैं दिखा दे रहा हूँ। ये जो टूल आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ, ऐसा मॉडल काम करेगा। यहाँ पे देखो जैसे लिखा है A710F, ये नया मॉडल काम नहीं करेगा। और इसमें आपको J1 AC ऑल मॉडल काम करेगा, लेटेस्ट मॉडल वर्क नहीं करेगा। तो मैं वीडियो को शुरू करने के पहले, अगर मेरा चैनल में आप लोग नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में जो बेल आइकन है उसका दबा दो, ताकि मेरा हर नोटिस आपको पहले मिले। मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ, तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। पहले इस फ़ोन को आपको पावर ऑफ करना है, तो मैं फ़ोन ऑफ कर दिया हूँ। उसका बाद ये वॉल्यूम डाउन, पावर की और होम की तीनों एक साथ प्रेस करके रखना है। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरा पावर की, वॉल्यूम डाउन और होम की, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को होम की। ये तीनों एक साथ दबाने आपको दबाना है। आपको ऐसी करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसी आएगा, यहाँ पे बात आपको यहाँ पे जो वॉल्यूम अप दिख रहा है इसको मारना है और फोन ऐसी आ जाएगा। उसके बाद आपको डाटा केबल लगा देना है, तो मैं डाटा केबल लगा रहा हूँ। ये डाटा केबल फोन में लगा दिया हूँ। उससे पहले आपको एक ड्राइवर इंस्टॉल करना है, सैमसंग USB ड्राइवर, जिसका PC में आपको काम करोगे। मतलब आपका PC में अगर पहले से इंस्टॉल हुआ है और सैमसंग का फ़ोन कनेक्ट हो रहा है तो इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो ये USB ड्राइवर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और फाइल का लिंक भी। तो मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, तो इसको मैं डाउनलोड नहीं करेंगे। जो CPU है ये वाला, मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हो, तो वहीं जाते हैं। मेरा ये फाइल मैंने डाउनलोड किया था, तो मैं पहले इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो यहाँ पे पासवर्ड भी डालना है, तो मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे फाइल पासवर्ड डाल, पहले आप लोग इस टूल से ट्राई करोगे। ये भी टूल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे ओपन करने के बाद, फ़ोन कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्कैन मारोगे तो 400 होगा। उसका बाद रिसेट FRP क्लिक करके यहाँ पे हैक लिखा है इसको मारना है। कोई भी मॉडल सेलेक्ट नहीं करना है, इसमें पहले ट्राई करना है। अगर इसमें एरर आए तो वो वाला ट्राई करना। और J5 आपको जो ऑडिन पे, जो मैं जो टूल से करूँगा ये CPU से, इसमें वर्क भी नहीं करता है, तो तब आप लोग इससे करोगे। जो मॉडल इसमें वर्क करेगा तो वर्क होगा, अगर नहीं हो रहा तो इसमें करोगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो मैं पहले इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने इसका पासवर्ड डाल दिया एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे देखो मेरा फाइल एक्सट्रैक्ट हो गया। उसका बाद यहाँ पे आपको ऑडिन टूल खोलना है, ऑडिन। तो मैंने ऑडिन को ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे मेरा फ़ोन कनेक्ट है पहले से, तो मैं दिखा रहा हूँ डायरेक्टली यहाँ पे APP मारना है। APP मारने के बाद जहाँ पे वो फाइल है वो सिलेक्ट करना है आपको। तो मेरा ये वाला फाइल एक्स्ट्रा हुआ था, इसको सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे देखो चाह पे डन, ये तो यहाँ पे पास हो गया फ़ोन, और फ़ोन यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिबूट हो गया। तो इसमें टाइम होने में, ऑन होने में टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं वीडियो को पास कर रहा हूँ, ऑन होने के बाद आपको दिखाऊंगा। तो मेरा यहाँ पे फ़ोन ऑन हो रहा है। Thank you.
तो यहाँ पे देखो मेरा फ़ोन 100% अनलॉक हो गया। उसके बाद क्या करना है, मेरा फ़ोन अनलॉक हो गया बट ये CPU से करने के बाद आपको जो फ़ोन स्टोरेज होता है मेमोरी वो कम जाते हैं, मतलब जितना है उसका आधा हो जाता है, तो उसके लिए आपको फिर से रिसेट करना होगा। तो मैंने यहाँ से सेटिंग जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर सेटिंग जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर बैकअप रिसेट, यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर रिसेट कर देना है आपको। ऑन होने के बाद आप सेटिंग कर लेना, 100% हो गया। अगर मेरा वीडियो को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए शुक्रिया।